सो नाउ फर्स्ट स्टेप के बाद डिसोल्यूशन के फर्स्ट स्टेप के बाद दैट इज ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज. अब हम अपने सेकेंड स्टेप पर आ रहे हैं. सेकेंड स्टेप, जैसा कि आप लोगों ने मुझे लास्ट टाइम बताया था कि सर अगर बिजनेस बंद करना है तो असेट्स बेच दो, मैंने नहीं बोला था ऐसा, आप लोगों ने मुझे बोला था. तो अब हम उसकी एंट्री सोचेंगे, सेल ऑफ असेट्स. सेल ऑफ असेट्स, असेट्स बेचा, समझो ना, क्वेश्चन में दिया है लैंड बिल्डिंग है 10 लाख का, हमने उसे 10 लाख में बेच दिया. लैंड बिल्डिंग सोल्ड फॉर ₹10 लाख. अब हमें इसका एंट्री सोचना है. लैंड बिल्डिंग हमने 10 लाख में बेचा, हमें इसका एंट्री सोचना है. तो देखो पैसा आया, पैसा तो कैश में आएगा या तो चेक से आएगा, तो कैश या तो बैंक अकाउंट डेबिट. अब क्वेश्चन अराइज, क्रेडिट क्या करे, क्रेडिट क्या करे. तो यहां पर ना क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट होगा. जनरली नॉर्मली कोई दूसरा टॉपिक होता ना, उसमें अगर लैंड बिल्डिंग बेचते तो मैं उस टॉपिक में, दूसरे टॉपिक में ऐसा बोलता, कैश आया लैंड बिल्डिंग गया तो टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. दूसरे टॉपिक में मैं ऐसा एंट्री करवाता. बट डिसोल्यूशन टॉपिक में, डिसोल्यूशन टॉपिक में हम ये एंट्री करते हैं. क्वेश्चन अराइज, क्यों सर ऐसा क्यों करते हैं. तो बच्चा लोग समझो, जब मैंने रियलाइजेशन अकाउंट आपको बोला था बनाओ, तो मैंने पहला स्टेप क्या बोला था, अपने बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं, अपने बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं, आइटम पर फोकस मत करो, आइटम वर्ड पर फोकस मत करो, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम मतलब असेट्स और लाइबिलिटी है, उसे ट्रांसफर करो एट बुक वैल्यू, उसे ट्रांसफर करो एट बुक वैल्यू. तो बैलेंस शीट में ना बच्चा लोग जो लैंड एंड बिल्डिंग होगा 10 लाख का, वो आपने ऑलरेडी कहां पर पोस्ट कर दिया होगा, रियलाइजेशन में. तो जब पोस्ट किया होगा ना बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में, तो फर्स्ट स्टेप पे मैंने एंट्री सिखाया था, क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग. तो बच्चा लोग आपका लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, आपके बुक में एक नया अकाउंट ओपन हो गया कॉल्ड एज रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन के डेबिट में लैंड बिल्डिंग आ गया 10 लाख का. तो जब बेचोगे ना, बेचोगे तो एंट्री कैश बैंक टू लैंड बिल्डिंग मत करना, कैश बैंक टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय कैश बैंक 10 लाख, 10 लाख का असेट्स 10 लाख में बेच दिया. हेंस यहां पर एंट्री थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट होगी. क्वेश्चन में दिया फर्नीचर बेचा, तो एंट्री मत करना कैश टू फर्नीचर, एंट्री करना कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. डेटर से पैसा मिला तो नॉर्मली हम एंट्री लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, यहां पर मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. मतलब असेट से जितना भी पैसा आएगा, असेट से जितना भी पैसा आएगा सब एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, डिपेंड चेक से कलेक्शन हुआ तो टू रियलाइजेशन अकाउंट. सर समझो, क्वेश्चन में दिया है 10 लाख का असेट्स 12 लाख में बेचा, तो भी एंट्री हम यही करेंगे विथ 12 लाख रुपीस, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इन दैट केस आप रियलाइजेशन अकाउंट में यहां पर 12 लाख क्रेडिट करोगे तो तुम्हारे बुक में 2 लाख का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाएगा. ये मेरा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे अलग से कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है. सिमिलर टू दैट, अगर क्वेश्चन में दिया है कि 10 लाख का ये लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख में बेचा, तो भी एंट्री ये रहेगी अमाउंट 12 लाख के बदले 9 लाख से कर देना, तो यहां पर क्रेडिट होगा 9 लाख. तो जैसे अभी प्रॉफिट 2 लाख रिकॉर्ड हुआ था, तब वहां पर 1 लाख का लॉस रिकॉर्ड हो जाएगा. तो यहां पर अलग से प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करने का कोई एंट्री नहीं आता. यही अगर दूसरा टॉपिक होता, दूसरा टॉपिक होता, तो वहां पर मैं अलग से ऐसा करता, 10 लाख का असेट्स 12 लाख में बेचा, कैश बैंक डेबिट 12 लाख, टू लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख, 2 लाख का अपने को प्रॉफिट हो गया.
10 लाख का असेट्स 9 लाख में बेचा तो मैं एंट्री करवाता, कैश बैंक डेबिट 9 लाख, पीएनएल डेबिट 1 लाख, टू लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख। दूसरे टॉपिक में हम ऐसा करते, बट फिलहाल डिसोल्यूशन टॉपिक में सिंस आपने सारे असेट्स को ट्रांसफर कर दिया है, सिंस आपने डिसोल्यूशन टॉपिक में सारे असेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है एट बुक वैल्यू, तो आप अब यहां पर सेल की एंट्री सेलिंग प्राइस से कर दो, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हो या लॉस हो वो आपके रियलाइजेशन अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब फर्म डिसॉल्व होगी, तो मार्केट में हम असेट्स नहीं बेच रहे, कुछ पार्टनर कुछ असेट्स टेक ओवर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस में ये मोबाइल पड़ा था, तो डिसॉल्यूशन करते वक्त एक पार्टनर ने बोला कि मेरी वाइफ बहुत किचकिच करती है, मुझे ना उसको फोन देना है, तो नया मोबाइल खरीद कर लाने से देने से अच्छा मैं, ऑफिस वैसे भी बंद हो रहा है अब अपने को तो ये मोबाइल की जरूरत नहीं है, मैं मेरी वाइफ के मुंह पर मार दूंगा आज ये। तो दूसरे पार्टनर ने बोला ले ले भाई, तो पार्टनरशिप फर्म से ये असेट्स एक पार्टनर लेकर जा रहा है, तो फ्री में दे देंगे क्या पार्टनर को? डेफिनेटली नॉट। समझो अब इसका चार्ज 5,000 रुपए, सेकेंड हैंड मोबाइल का चार्ज कम, समझो इसका वैल्यू 5,000 है, तो पार्टनर का कैपिटल मैं इतने से कम कर दूंगा कि मेरे पार्टनर ने इतने का असेट्स ले लिया, पार्टनर का अकाउंट कम कर देना है। पार्टनर के कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कम करने के लिए मैं क्या करेगी, मैं उनका अकाउंट डेबिट कर देगी, तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। सर दो दो नाम क्यों लिख रहे हो, कैपिटल भी करंट भी? बच्चा लोग अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें करंट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, सारे ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में लिखने होंगे, बट अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है, करंट अकाउंट नहीं बनाया है, तो सारा ट्रांजेक्शन कैपिटल में जाएगा। वो तो क्वेश्चन देखकर हमें पता चलेगा कि कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करना है या करंट अकाउंट में। इन 90% केसेस कैपिटल में ही जाएगा, बहुत कम लोग करंट अकाउंट बनाते। तो एंट्री विल बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और असेट्स गया तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो ये तो असेट्स बेचने की बात हो गई, सेल ऑफ असेट्स या तो हो जाएगा मार्केट में या तो कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। अब तुम लोगों ने मुझे बताया था, मुझे तो आता नहीं है, तुम लोगों ने लेकिन मुझे लास्ट टाइम बताया था कि सर असेट्स बेच कर ना लाइबिलिटीज पेमेंट करो, ऐसा आप लोगों ने बोला था। तो चलो नेक्स्ट स्टेप लाइबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं। फोर्थ स्टेप फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जाएगा जाएगा तो कैश बैंक क्रेडिट होगा, और मेरी लाइबिलिटी कम हो गई तो मैं कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा? सोचो कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कैश कहां से डेबिट होगा माते, पैसा नहीं आ रहा है, रियलाइजेशन को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा सारा लाइबिलिटी मैं ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में पुट कर चुका हूं, तो मैं सारी एंट्री असेट्स और लाइबिलिटी से जुड़ी हुई रियलाइजेशन अकाउंट से करूंगा। तो क्रेडिटर का पेमेंट हुआ तो एंट्री मत लिखना क्रेडिटर टू कैश, एंट्री लिखना रियलाइजेशन टू कैश। बैंक ओडी पेड ऑफ, रियलाइजेशन टू कैश बैंक। पार्टनर्स वाइफ लोन पेड ऑफ, तो पार्टनर्स वाइफ लोन अकाउंट डेबिट नहीं होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक होगा। इन शॉर्ट कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी पे करोगे एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, अब आगे बढ़ते हैं।
जैसे पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी की मैंने बात की, अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लाइबिलिटी पार्टनर पे कर दे रहा है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय पार्टनर, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय पार्टनर। तो जैसा कि आज हमने डिस्कस किया था, मेरा लोन और वाइफ का लोन, ये दो अलग अलग लोन है। तो समझो आप और मैं पार्टनर हैं, हमारी फर्म है और उसमें झरना मैम ने लोन दिया है, ठीक है। तो झरना मैम का लोन फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनर का लोन है या आउटसाइडर का लोन है? आउटसाइडर, आउटसाइडर का लोन, आउटसाइडर। तो अब तुमने और मैंने डिस्कस किया कि उसका पेमेंट ना, उसका पेमेंट फर्म को ही करना चाहिए, लेकिन तुमने मुझे बोला कि यार घर में सेटल कर दे, पेमेंट कर देना तू। तो मैंने बोला चल ठीक है, मेरी वाइफ को पैसा मैं दे दूंगा, मेरी वाइफ को पैसा मैं दे दूंगा। तो अब फर्म का लाइबिलिटी, फर्म का लाइबिलिटी मैं पे कर रहा हूं, ये लाइबिलिटी मेरा नहीं था, मैंने थोड़ी ना लोन लिया था मेरी वाइफ से, मेरी फर्म ने वाइफ से लोन लिया था, तो फर्म का लोन मैं पे कर रहा हूं। तो फर्म की जेब से पैसा गया क्या? फर्म की जेब से पैसा गया क्या? यस नहीं, नो नो नो, सॉरी सॉरी, पैसा मैं दे रहा हूं तो फर्म की जेब से पैसा नहीं गया, लेकिन फर्म की लाइबिलिटी कम हो गई। तो एंट्री फॉर दिस विल बी, बच्चा लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मेरा अकाउंट उतने से क्रेडिट कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। मतलब अब मैं फर्म से पैसा मांगूंगा, समझो मैंने वाइफ का लोन 10,000 पे कर दिया, तो मैं 10,000 फर्म से मांगूंगा, चल अभी 10,000 मेरे को दे, तेरे बिहाफ पर मैंने मेरी वाइफ को पे कर दिया, तो मेरी जेब से तो पैसा गया ना तेरी वजह से, तो उतना पैसा मैं फर्म से मांगूंगा, उतने से मेरा कैपिटल बढ़ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कम करने के लिए उसे डेबिट करो, बढ़ाने के लिए उसे क्रेडिट करो। सो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा इफ द लाइबिलिटी इज पेड ऑफ बाय पार्टनर, इफ द लाइबिलिटी इज पेड ऑफ बाय पार्टनर। नेक्स्ट स्टेप, फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है? तो देखो बच्चा लोग, जब हम कोई बिजनेस बंद करते हैं ना, तो बिजनेस बंद करते वक्त भी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी होती है। वो लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने का खर्चा, लॉयर को फीस वगैरह देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है तो इसके लिए अकाउंटिंग वर्क के लिए कुछ पेमेंट करोगे। इसके अलावा आपको असेट्स बेचना है तो असेट्स बेचते वक्त भी ब्रोकरेज वगैरह देना पड़ सकता है। इन शॉर्ट फर्म को बंद करते वक्त जितना भी खर्चा होता है, उस खर्चे को रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं या डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी कहते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब अगर हम वो एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो हमारी जेब से पैसा गया तो कैश बैंक तो क्रेडिट होगा, और हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किया तो ये हमारे लिए एक तरीके का लॉस है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? लास्ट लेक्चर में आप याद करो मैंने आपको बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं? टू क्लोज असेट्स एंड लायबिलिटी एंड टू रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, टू रिकॉर्ड प्रॉफिट एंड लॉस। दिस रियलाइजेशन एक्सपेंस इज वन टाइप ऑफ माई लॉस, एंट्री फॉर दैट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो जैसे बच्चा लोग लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने पे कर दिया, ऐसा हो सकता है कि कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस
इज पेड बाय पार्टनर, जैसे यहां पर मैंने लिखा था ना पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी बाय पार्टनर फिफ्थ स्टेप में, ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस है किसका, फर्म का, पे कौन कर रहा है, पार्टनर। तो फर्म की जेब से पैसा गया क्या, नहीं, नहीं गया। तो फर्म इसे क्या करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यही एंट्री आएगी। तो हेडिंग दो, सिक्स्थ स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, सेवन स्टेप, सेवन सेवन, अच्छा सेवन स्टेप। फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय पार्टनर एंट्री, फॉर दिस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और अपनी जेब से पैसा नहीं गया, पार्टनर की जेब से गया, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे लास्ट टाइम बताया था, सबसे पहले असेट्स बेचो, हो गया। फिर आपने बोला था इसके बाद पेमेंट करो आउटसाइड लायबिलिटी का, हो गया, पेमेंट कर दिया आउटसाइड लायबिलिटी। अब आउटसाइड लायबिलिटी पे करने के बाद नेक्स्ट पेमेंट पार्टनर का करना होता है। अब समझो तुम और मैं पार्टनर है, हाँ तुम और मैं पार्टनर है, तुमने 10 लाख दिया, मैंने 10 लाख दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने फर्म को 5 लाख का लोन भी दिया है, तो मेरा कैपिटल है 10 लाख और मैंने फर्म को दिया है लोन 5 लाख। सोच कर बताओ पहले किसका पेमेंट करें, ये कैपिटल का पेमेंट पहले कर दे या पहले मैं मेरा लोन का पेमेंट मांगूंगा। लोन, लोन सर, डेफिनेटली बीइंग अ पार्टनर मैं बोलूंगा कैपिटल तो तूने और मैंने दोनों इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन मैंने फर्म को अलग से लोन दिया था, अगर यही लोन मैंने नहीं दिया होता तो मार्केट से लोन लेना पड़ता, तो पहले हमें पहला लोन का वापस में पैसा चाहिए, मैं पहले लोन का पैसा वापस लूंगा फर्म से। तो ये आउटसाइड लायबिलिटी पे करने के बाद ना नेक्स्ट स्टेप पार्टनर का लोन पे करो, नेक्स्ट स्टेप पार्टनर का लोन पे करो। फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। तो क्या मैंने पार्टनर का लोन, क्या मैंने पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट किया था, थियरी याद करो लास्ट टाइम का, और अगर याद नहीं आ रहा है तो देखो मैंने एक बैलेंस शीट बनाया था, पार्टनर लोन के सामने मैंने क्या लिखा था, रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट किया था या पार्टनर लोन में, पार्टनर लोन अकाउंट, तो पार्टनर लोन अकाउंट में गया, मतलब अब ये एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू नहीं होगी, नहीं जाए। मैं पार्टनर लोन का पेमेंट करूंगा तो मैं एंट्री करूंगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू, पैसा गया कैशबैक अकाउंट। सर आपने यहां पर लायबिलिटी पे किया तो रियलाइजेशन डेबिट किया, पार्टनर का लोन पे किया तो पार्टनर लोन डेबिट किया, ये गलत बात है, ऐसा ना गलत नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे यार कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, मेरा क्रेडिटर कहां गया था, रियलाइजेशन अकाउंट में गया था, तो मैं अब एंट्री रियलाइजेशन के थ्रू करूंगा, लेकिन मेरा पार्टनर का लोन मैंने पार्टनर लोन में ही पोस्ट किया है तो उसका एंट्री पार्टनर लोन के थ्रू होगा, सिंपल। कुछ चीज रटना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ कर चलना है, क्यों ऐसा डेबिट किया मैंने पार्टनर लोन, क्योंकि मैंने उसका अकाउंट बनाया है, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
सो नेक्स्ट, अब ये सब करने के बाद अब हम जितने अकाउंट्स ओपन कर चुके हैं हमें एक एक करके वो सारे अकाउंट क्लोज करने हैं। मैंने कौन कौन सा अकाउंट यहां पर आपको बनवाया? रियलाइजेशन अकाउंट, मैंने आपसे बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, कभी कभी करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आपको बोला पार्टनर लोन अकाउंट बनाओ, और फोर्थ कैश बैंक अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो अब समझो हमने ये सारे अकाउंट बनाए, तो इसमें सबसे पहले पार्टनर लोन की बात करता हूं। पार्टनर लोन था 10 लाख, आपने पे भी कर दिया 10 लाख, तो पार्टनर का लोन अकाउंट जनरली टैली हो जाएगा। मतलब डेबिट में भी 10 लाख, क्रेडिट में भी 10 लाख था, पेमेंट भी 10 लाख हो जाएगा, लोन अकाउंट का जो अमाउंट है वो टैली हो जाएगा। करके देखते हैं, समझो पार्टनर का लोन था 10 लाख, तो आप पार्टनर का लोन अकाउंट बनाओगे तो यहां पर लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख, पेमेंट करोगे 10 लाख, तो यहां पर आ जाएगा पार्टनर लोन टू कैश बैंक, पार्टनर लोन के डेबिट में टू कैश बैंक 10 लाख, पार्टनर लोन टैली होगा। कभी वर्स्ट सिचुएशन में, बहुत वर्स्ट सिचुएशन में शायद ऐसा हो सकता है कि हमने पार्टनर का लोन सिर्फ 9 लाख पे किया, ऐसा जनरली नहीं होगा, बट अगर क्वेश्चन में बाय चांस ऐसा सिचुएशन आया कि जिसमें हमने पार्टनर का लोन था 10 लाख बट पेमेंट किया 9 लाख, तो 1 लाख रुपए का बैलेंस आएगा। सोचो फर्म के लिए 1 लाख क्या है? लोन था 10 लाख, पे किया 9 लाख, फर्म के लिए क्या है? फर्म के लिए ये प्रॉफिट है। कैसे? अरे मैंने तुमसे 10 लाख लिया था यार, मैं तुमको 9 लाख रीपे कर रहा हूं, तो मेरे लिए तो 1 लाख का मुनाफा हुआ ना, फायदा हुआ ना, तो ये जो मेरा 1 लाख का प्रॉफिट है इसे मैं रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा, यहां से प्रॉफिट उठाकर रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्ट कर दूंगा। जनरली ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो पार्टनर लोन का बैलेंस ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो नेक्स्ट स्टेप, 9th स्टेप, क्लोज पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लोज पार्टनर्स लोन अकाउंट, बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। Balance should be transferred to realization account. तो अभी हमने पहला अकाउंट, चार में से ये अकाउंट क्लोज कर दिया, लोन अकाउंट खत्म। अब हम आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट पर। हमने रियलाइजेशन अकाउंट में बहुत सारा पोस्टिंग किया है। रियलाइजेशन अकाउंट में पहले असेट्स डेबिट में लिखा, लाइबिलिटी क्रेडिट में लिखा, असेट्स बेचा उसका पोस्टिंग किया, लायबिलिटी का पेमेंट किया उसका पोस्टिंग किया, रियलाइजेशन एक्सपेंस सब 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 पोस्टिंग करने के बाद फाइनली जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करूंगा तो मुझे पता चलेगा ड्यू टू डिसोल्यूशन प्रोसेस फाइनली मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फाइनल प्रॉफिट या लॉस, डिसोल्यूशन करके फाइनली प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब ये जो फाइनल प्रॉफिट हो या लॉस हो, बीस प्रॉफिट और लॉस विल बी बॉर्न बाय पार्टनर्स एंड दिस प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो नेक्स्ट स्टेप, वी विल क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। 10th स्टेप, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। एनी प्रॉफिट और लॉस? एनी प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among partners
इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट. अगर आपने करंट अकाउंट बनाया है देन क्लोज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा. क्लोज करंट अकाउंट द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप, 11th स्टेप. 11th स्टेप, क्लोज पार्टनर्स करंट अकाउंट. अगर किसी समय पार्टनर्स करंट अकाउंट ही नहीं है तो ये स्टेप आएगा ही नहीं. क्लोज पार्टनर्स करंट अकाउंट, एनी बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. करंट का बैलेंस कैपिटल में डाल देंगे. अब इसके बाद क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इतना सब करने के बाद जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे ना तो पता चलेगा किस पार्टनर को कितना पैसा देना है. 10 लाख, 2 लाख, जिस पार्टनर का जितना पैसा बचेगा फर्म में उसको उतना पेमेंट रोकड़ा दे देंगे. पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कैश बैंक में जाएगा. एट लास्ट कैश बैंक टैली होना चाहिए. लास्ट में कैश बैंक टैली होना ही चाहिए. क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शुड बी ट्रांसफर टू कैश बैंक अकाउंट. एट द एंड कैश बैंक अकाउंट शुड टैली. जो भी बचा हुआ पैसा होगा अल्टीमेटली वो पार्टनर का ही होगा ना, वो पैसा पार्टनर को दे देंगे, कैश बैंक अकाउंट टैली हो जाएगा. This is the process to close the books of account of any partnership firm.